ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपित्र चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। माय डियर फ्रेंड, अमेरिका के मेरे प्यारे मित्र बलविंदर जी, आपका मन में एक बड़ा डाउट था, तो अभी किताब खोजते खोजते मेरे को यह सूत्र मिल गया। उच्च का कर्क लग्न, मकर राशि का गुरु बृहस्पति लग्न में दोनों तरफ दो पाप ग्रह, परिणाम क्या? मैं पहले सूत्र पढ़ देता हूँ, फिर आपको अर्थ बताता हूँ। इसके माध्यम से बाकी सब जानेंगे। द्वि ग्रहे कुग्रह मध्ये गुरु, अनेको धन अनेको गुरु, जदि अभाग्ये नुहई राजा, अनेको लोके पाए पूजा। ये खना वचन डाक ऋषि वचन में लिखा गया है। खना वचन एक बहुत बड़ा ज्योतिष पुस्तक है और हमारे उड़ीसा में ये बहुत ज्यादा चलता है। और ये जो मैं सूत्र पढ़ा, ये संस्कृत का नहीं है, ये उड़िया का है। तो क्या बता रहे हैं? द्वि दिगे कुग्रहो मध्ये गुरु, द्वि दिगे दो दिग में, मतलब दोनों तरफ गुरु के दोनों तरफ पाप ग्रह। अनेको धन अनेको गुरु, ऐसा व्यक्ति का जब इसका महादशा चल रहा है, आपका गुरु का महादशा चल रहा है, अनेको धनो धूम धन मिलता है और बहुत गौ संपद मिलता है। तो मैं आपको एक बार कृषि और गाय के लिए बताया था कि आपको जितना ज्यादा कर रहे गौ और कृषि के लिए करोगे, आपको उतना उतना धन प्राप्ति अविष्ट सिद्धि होगा। जदि अभागे नोहि राजा, अनेको लोके पाए पूजा, और लोगों के अंदर पूजा पाता है। तो मैं आपको बताया था, जिसके सर में हाथ रख दोगे उसका कल्याण हो जाएगा। आपके पास कोई बैठ जाए तो इतना सिवियर गुरु का मास है आपके अंदर कि उसका ऐसे ही आधा बीमारी ठीक हो जाएगा, उसका आधा भाग्य खुल जाएगा। आधा क्या, अगर आप अति भाव भक्ति से कर दो तो उसका पूर्ण भाग्य खुल जाएगा। तो मेरे अमेरिका से जो भी कहीं कॉल करता है तो मैं आपका नंबर दे देता हूँ, इसीलिए कि उसका भाग्य खुल जाए। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है सुनिए। किसी के जन्म जातक में बृहस्पति अगर कहीं भी बैठा हो, अगर उच्च का लग्न में बैठा हो या फिर कहीं भी बैठा हो, दोनों दोनों पास उसके पास पास आगे पीछे कुग्रह पाप ग्रह अगर हैं, तब उस व्यक्ति जीव दशा में बहुत सारा धन गो संपद लाभ करता है और धनरत्न उसका भंडार भर जाता है। भाग्य दोष अर्थात पूर्वर्जित कर्म दोष से यदि राजा नहीं भी हो पाता है तो भी लोगों के द्वारा पूजा पाता है, यानी जननायक बनता है। इसलिए बोला कि आप ऑर्गेनाइज करो भिन्न भिन्न प्रकार के, जब यूएसए में बैठे हो तो बड़े सारे कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि आपको लोक पूज्य होना है। इस पूजा पाने का कारण उसका विवेक बुद्धि और दिव्य ज्ञान। उसके अंदर क्या क्या रहता है सुनो, विवेक बुद्धि और दिव्य ज्ञान। तो आप जब यहाँ आए थे और हमारे पंडिताइन भी बोले कि क्या दिव्य पुरुष है, कितने लंबे चौड़े सुंदर है ना। तो अब बात करते हैं, तो अभी ये सूत्र मिल गया यहाँ कि आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य पुरुष हो, बुद्धि है, दिव्य ज्ञान आपके अंदर है। अब नहीं होता तो कोई आदमी दूध पी के इतना इतना दिन थोड़ी उपवास, श्रावण में और नवरात्र में और इतना सारा साधना थोड़ी करता। तो अब अमेरिका में रह के यज्ञ कर रहे हो तो बड़े पंडित से भी पंडित हो, तो यहाँ बता दिया गया। मैं जस्ट मेरे आंख में गिरा और मैं इसलिए वीडियो बनाने बैठ गया। तद्वारा सकल सभी जनों को अपना बना लेता है, ऐसा व्यक्ति सभी को अपना बना लेता है। भिन्न भिन्न धार्मिक कार्यों में, जनहित कार्यों में सर्वदा पैसा देता है। हाँ, आप देते हो, आप वहाँ आपका आपका धर्म पत्नी बोल रही थी, जितने सारे आपके भाई बहन सबका, आपके गांव में सभी के लिए हर प्रकार का सहायता आप करते हो, और तो सोच सकते हैं कि ये शास्त्र में कितना सत्य बात बताया गया है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि आप ऐसे आदमी
सभी को सहायता करने वाला, ना कि किसी से सहायता लेने वाला। तो ये छोटा सा पॉइंट मिला आपको, बता दिया, वीडियो इसलिए बना दिया इसलिए ताकि आप आपके माध्यम से बाकी लोग सीखें। धन्यवाद, नमस्कार।